तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के अंदर पेस्ट एज ए लिंक। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूं, छोटा सा डेटा, क्योंकि छोटे डेटा पे इफेक्ट बदलती पता चलता है, इसलिए छोटा सा डेटा हम बनाने जा रहे हैं आपके साथ। एक छोटा सा डेटा हमने तैयार किया और मुझे इसको लिंक करना है। लिंक के मतलब ये कि एक जगह में टाइप करूं तो बाकी और जगह पे अपने आप दिख जाए, ठीक है। एक जगह में टाइप करूं तो बाकी बाकी जगह पे अपने आप दिख जाए हमें। तो जैसे कि नॉर्मली हम इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और मैं यहां इसको लिंक करना चाहता हूं, तो लोग लिंक करने के लिए जस्ट इक्वल और इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं और यहां देखिए लिंक हो गया। ओके, अब आगे पूरा करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, इसको इस तरह से ड्रैग करें, नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये ड्रैग हो जाता है। अब मैं यहाँ पे 67 के जगह पे अगर मान लीजिए मैंने 50 किया, एंटर मारते हैं, 50 हो गया, 90 किया, 90 हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा डेटा कॉपी नहीं करना होता है, हमें कुछ पार्ट को कॉपी करना होता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट को कॉपी करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और जिस जिसको करना है उसको सिलेक्ट करते हैं, मल्टी सिलेक्शन एंड कॉपी करते हैं और फिर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में यहां आपको दिख रहा होगा पेस्ट एज ए लिंक, इस पेस्ट एज ए लिंक पे क्लिक किया और यहां देखिए पेस्ट एज ए लिंक हो गया। तो पेस्ट एज ए लिंक की ये हमारी खासियत है जो कि आप देख रहे हैं। मैं दोबारा समझा देता हूं अगर कुछ लोगों को समझ में ना आया होगा। तो हम बात कर रहे हैं पेस्ट एज ए लिंक, मतलब कि हम चाहते हैं कि एक शीट पे अगर हमें डेटा कुछ भी रख रखा है वो अनदर शीट पे है या अनदर फाइल पे सेम रिफ्लेक्ट करे। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इक्वल प्रेस करके जिस सेल को लिंक करना है उसको क्लिक करके ओके कर देते हैं और ओवरऑल डेटा के लिए जस्ट वो ड्रैग करते हैं और नीचे की तरफ और ओवरऑल डेटा उसको यहाँ दिख जाता है। लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा डेटा नहीं, मेरा कुछ कुछ पार्ट जो है वो कॉपी पेस्ट हो। तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर कुछ कुछ पार्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया यहां ऐसे, देन कॉपी, और उसके बाद जो है जहां करना है सेम शीट अनदर फाइल पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए, यहां पे आपको दिख रहा होगा लिंक लास्ट में आ रहा है लिंक, पेस्ट एज ए लिंक क्लिक किया और यहां पे आपको डेटा दिख गया। और मैं इस पहले शीट पे जो भी चेंजिंग करूंगा वो अनदर शीट पे भी होगा। तो जी इसका यूज हम लोग डेटाबेस में अपनी रिपोर्ट्स में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 4-5 पेजों की रिपोर्ट बना रखी है, उसमें कुछ समरी जो है वो हर शीट पे सेम होती है, डेट सेम होते हैं, हेडिंग सेम होते हैं, तो हर बार हमें चेंज नहीं करना होता है, हमने एक को चेंज किया बाकी अपने आप चेंज हो जाएगा। आया समझ में? जी सर। सर वो एक बार मुझे ये बता देंगे कि जो आपने जैसे 2-3 डाटा को एक साथ सिलेक्ट किया था वो कैसे करते हैं? उसके लिए आपको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल को प्रेस कीजिए और फिर उसको सिलेक्ट करते जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गॉट इट सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। सर एक इसका वैसे प्रैक्टिकल यूज बता दोगे आप? इसकी प्रैक्टिकल यूज मतलब इसी मतलब फॉर्मूले का जैसे कि क्या बेनिफिट दे सकता है ये, इसकी बात कर रहे हो लिंक पेस्ट एज ए लिंक की? यस सर, यस सर। मैंने आपको बताया ना अभी कि जैसे कि आपके पास कोई एक डेट रिपोर्ट है, जैसे मान लीजिए ना कि आपने एक सेल्स रिपोर्ट बनाई है, उसमें आपने 5 अलग अलग शीट्स इस्तेमाल की हैं, तो जो आपके हेडिंग होता है, डेट होता है या कुछ ऐसे समरी होते हैं जो हर रिपोर्ट के शीट पे सेम होते हैं, वहां भी एक शीट पे डालिए, बाकी को उससे लिंक कर दीजिए।
एक पे चेंज होगा बाकी जो होगा बता अपने आप चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल लाइक हेडर पार्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे तीन रिपोर्ट मैं यहाँ पे तीन सीट का रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ, जैन फैब एंड मार्च, एक में दीजिएगा सर एक मिनट। सॉरी सर, तो मुझे तीन सीटों पे रिपोर्ट बना रहे हैं और तीन सीटों के ऊपर मुझे डेट रखना, ठीक है सर। हेलो आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए तो तीन सीटों के ऊपर मुझे डेट डालना है। अब तीनों पे जो डेट डालना है एक ही डेट है मान लीजिए, तो डेट यहां पे हमने आज का डेट डाला सपोज दैट। अब सेम डेट कॉपी पेस्ट करके तीनों पे डालिएगा, इस तरह से डाला हमने, मार्च में भी डाल दिया। अब क्या हुआ, अब अगले दिन अब यहाँ पे बाकी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, यहाँ भी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, यहाँ भी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब अगले दिन मुझे 26 तारीख का बनाना है, तो 26 तारीख के लिए फिर आप यहाँ पे 26 तारीख डाला, फिर वापस यहाँ पे 26 डालोगे, फिर वापस इस पे 26 डालोगे, तो क्यों ना हम इसी सेल को कॉपी करके यहां हम कर देते हैं पेस्ट एज लिंक, या नॉर्मली पेस्ट एज लिंक भी कर सकते हैं। एक पेस्ट एज लिंक कब लेते हैं, जब मेरे पास ज्यादा डेटा होता है, कुछ कुछ डेटा लेना होता है, ऐसा भी इक्वल करके भी कर सकते हैं यहाँ पे इक्वल हो गया। अब जैसे मैं यहां पे अगले दिन 26-27 का रिपोर्ट बनाना है, मैं 27 चेंज करूंगा, एंटर मारूंगा, तो हर जगह 27 हो गया। ऐसे तो डेट का एग्जांपल था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हो, समझे सर? लाइक सर, जैसे कोई एक सेल्स पर्सन का नाम है, वो रिप्लेस हो गया किसी से, तो वहां पे हमने किसी का कर दिया, तो उसका सारे डाटा में नाम चेंज हो जाएगा। जी चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, अब जैसे कि मेरे पास एक समरी है, देख पा रहे हैं? तो मेरे पास एक डेटा समरी है और ये डेटा समरी एक्सेल पे एज ए डेटा फॉर्मेट में है, लेकिन मुझे किसी और जगह या किसी और रिपोर्ट में एक छोटे से एरिया में इसको फिट करना है। तो छोटे से डेटा में फिट करने के लिए मुझे कॉलम छोटा करना पड़ेगा। मैं कॉलम छोटा नहीं करना चाहता क्योंकि नीचे के एरिया में भी कुछ डेटा है, सो मैं कॉलम छोटा नहीं करना चाहता, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और यहां पेस्ट में पेस्ट एज ए पिक्चर कर दूंगा। तो ये क्या होगा, एक ग्राफिक्स की तरह हो गया, एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, इसको हम छोटा करके कहीं भी फिट कर सकते हैं और एकदम डेटा की तरह लगेगा। इसका यूज मेनली हम लोग डैशबोर्ड वगैरह में करते हैं। किस तरह की डैशबोर्ड वगैरह में करते हैं, तो मेरे पास एक डैशबोर्ड है, मैं दिखा सकता हूं कि कहां पे इसका यूज करते हैं। नहीं नहीं ये नहीं है, एक डैशबोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां पे इसका यूज करते हैं। यस, सेल्स डैशबोर्ड ही हुआ, पांच ऊपर लिखा, या राइट दिख रहा है? तो यहां पे जो पार्ट दिख रहे हैं ना, ये चीजें हमारे यहाँ पे है डेटा के अंदर, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ इतना बड़ा था और मुझे चार्ट के नीचे इसको शो करना था और हमारे पास जगह भी कम था, तो हमने इसको पेस्ट एज ए पिक्चर कर लिया हुआ है।
क्लियर है पेस्ट दिस पिक्चर कैसे करते हैं सर? एक बार खाली एक बार दोबारा पेस्ट एज अ पिक्चर बताओगे क्या? तभी सिंपल, यहाँ पे जाइए पेस्ट के अंदर, पेस्ट स्पेशल नहीं करना है, पेस्ट के ऊपर जो एरो निशान होता है उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपको दिखेगा पेस्ट एज अ पिक्चर का सैंपल दिख रहा है सेकेंड लास्ट, ओके इस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद इसको अपने हिसाब से जैसा माने कि साइज देना है, रोटेट करना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। तो लास्ट टॉपिक में हमने बात की पेस्ट एज ए पिक्चर के बारे में, तो क्या हुआ कि इसकी एक पिक्चर बना देता है जिसको हम उठा के अपने रिपोर्ट्स में आसानी से रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, बट ये रिपोर्ट्स मेरे डेटा से कनेक्टेड है कि जब मेरा ये डेटा चेंज होगा तो हमारी रिपोर्ट ये जो समरी है वो भी चेंज होगा। तो ऐसा कैसे किया गया, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंजिंग करूँ तो मेरा पिक्चर भी चेंज हो जाए, लेकिन जब नॉर्मल पेज से पिक्चर करते हैं तो चेंज नहीं होता है। अगर आपको पिक्चर विथ लिंक चाहिए कि आपका पिक्चर भी हो और आपके डेटा से लिंक भी हो, तो उस केस में हम करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, सबसे लास्ट ऑप्शन पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। अब यहां जो हम करेंगे इसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अब कल के डेट में नॉट इन वैल्यू 90 जो है 1900 हो गया, वो भी चेंज होगा, और सिर्फ नॉट इन वैल्यू आपकी फॉर्मेटिंग भी चेंज होती है। जैसे आपने मान लीजिए रवि को हाईलाइट कर दिया डिफरेंट कलर, तो यहां भी डिफरेंट कलर हो जाएगा, और सेम शीट अनदर फाइल। लेकिन अगर कुछ डेटा अपडेट हुआ तो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नया डेटा ऐड हुआ, जैसे मैं यहाँ पे अंकित जी का नाम लिख देता हूँ, शायद अंकित जी बुरा नहीं मानेंगे। नहीं सर, यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया। अब प्रॉब्लम है कि अब ये तो डेटा में ऐड हुआ नहीं, क्योंकि जब मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो 10 तक था, अब 11 ऐड हो गया, तो क्या मुझे दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? देखिए दोबारा कॉपी पेस्ट करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन दोबारा पेस्ट कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको अलग अलग साइज अलग अलग सेट में देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम अपने इसको छोटा करते हैं, और सबसे पहले जगह फिट करता हूं मैं इसको, और यहाँ जब भी कोई भी, देखिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो या डेटा हो या किसी भी तरह का चीज हो एक्सेल में, जब वो किसी और से लिंक होता है तो फॉर्मूले के साथ लिंक होता है, बगैर फॉर्मूला लिंक हो ही नहीं सकता। तो आप जब इसके पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ एक एड्रेस दिखेंगे A1 से F10, ये आपके डेटा का ओरिजिनल लिंक है कि डेटा कहां से कनेक्टेड है। अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, F10 को F11 कर देना है। जैसे मैंने F11 किया, ये देखिए यहाँ पे अंकित जी आ गए, आ गए अंकित जी। हाँ जी। ओके सर, मतलब ये फॉर्मूले के थ्रू ही होगा ये वाले जो आपने बताया? हाँ, हर एक ऑब्जेक्ट डेटा से जब लिंक होता है तो फॉर्मूले के थ्रू लिंक होता है। आप देखिए मैंने भी चार्ट में कर रखे हैं, तो यहाँ पे लिंक है ना, यहाँ पे देखिए सर ये क्या कर रहा था आपने, F11 किया था सिलेक्ट करके, हमने रेंज चेंज कर दिया था ना, 6 था, 6 का मैं 7 कर दूंगा, मैं डिलीट करूंगा 7 डाल दूंगा। देखा? हेलो हेलो सर, जस्ट रेंज चेंज कर देना ना, अपना एड्रेस चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए ना F11 है, राइट, मुझे मान लीजिए कि F5 तक का डेटा चाहिए, तो 11 को डिलीट करूंगा 5 कर दूंगा। मुझे नहीं, मुझे मार्च तक का डेटा चाहिए, मार्च का तो डी है, तो एफ को डिलीट करूंगा, डी कर दूंगा, तो जो एड्रेस हो एड्रेस मेंटेन करूंगा उस हिसाब से हो जाएगा हमारा। अच्छा सर, मतलब कहने वाला ये है कि आपने सेल रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली जहां तक हमारा डाटा था। हाँ। उसके बाद जो भी एडिशन होगा हमें बस उसका वो कर देना है कि एक्सटेंड कर देना है, अगर 11 है तक 11 कर दिया, 12 कर दिया, नहीं तो अगर रोज का है तो उसको जी वो कर दिया। बिल्कुल सही सुना आपने सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े सर। एक चीज पूछनी थी छोटी सी बस,
जैसे हमने इस सेल पे तो इस पे डाल दिया एड्रेस क्योंकि वो इसी सेल में हम चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट सेल के लिए अगर डालना पड़े जैसे शीट टू में, जितना तो पिक्चर से... जितना पिक्चर बनाएंगे उतना होगा, जो पिक्चर का रेंज होगा उतने उसमें होगा। ओके मतलब कहने वाले कहीं पे भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर दें, चेंजेस यहाँ पे कर देंगे और वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। जी 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 सही बोला। गॉट इट सर, गॉट इट, समझ गए जी सर। आगे बढ़े जी। अब इसका यूज जो है और कहां कहां कर सकते हैं चलिए बताते हैं। इसका यूज हम एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, हम पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। एमएस वर्ड मैंने ओपन कर लिया, मैं यहां पे पीपीटी ओपन करता हूं, मैं यहां पे आउटलुक ओपन करता हूं। एमएस वर्ड न्यू डॉक्यूमेंट खोला, पीपीटी न्यू डॉक्यूमेंट खोला, तो पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक जो कि अभी आपको मैंने बताया कि पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक क्या सिर्फ एक्सेल पे ही होता है? नहीं, ये अलग एप्लीकेशन में भी हो सकता है, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, जैसे पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, उनपे। तो हमने क्या किया, यहां कॉपी किया, एमएस वर्ड में गए, एमएस वर्ड में जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट के नीचे यहां देखिए एरो निशान है जिसमें आपको यहां पेस्ट स्पेशल दिखेगा, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें और यहां पेस्ट एज ए लिंक दिखेगा और यहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखेगा। बस मुझे इसको सिलेक्ट करना है एंड जस्ट ओके, लिंक हो गया। अब मैं एक्सेल में को भी चेंज करूं, जैसे मान लीजिए मैं मोहन को कलर कर देता हूं, कलर हर एवरीथिंग चेंज होगा, कलर से लेके डेटा वेटा सब कुछ जो भी होगा सब लिंक हो जाएगा। हो गया जी सर। उसके बाद इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने अगेन कॉपी किया और चला गया पावर पॉइंट में, तो क्या पावर पॉइंट को भी लिंक किया जा सकता है? सेम जैसे हमने वर्ड को किया है, और यहां हम करेंगे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में सेम पेस्ट एज ए लिंक, बाय डिफॉल्ट एक्सेल ही होता है, सिलेक्ट किया। यहां भी आप प्लीज आप रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और ये हमारे एक्सेल से लिंक हो गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पूरे कलर को जो है चेंज कर देता हूँ येलो से, और 900 को मैं 19 कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया और 19 हो गया। अब बात आती है आउटलुक की, तो आउटलुक में क्या चेंज हुआ? देखिए आउटलुक में हम मैं बात कर रहा हूँ न्यू मेल्स में, कि जब न्यू मेल आप क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप इसको पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने अभी कॉपी नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लूं, मैं फिर डेटा भी जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको मैं न्यू मेल पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक एक्सेल, राइट? तो आप वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों में लिंक कर सकते हैं, समझ गए जी सर। इसमें एक चीज पूछ सकता हूँ, लाइक कि हमने दो डाटा इसमें डाल दिए सेम पीपीटी में ही, और अगर हम पीपीटी वाली में कोई चेंज करेंगे वो सेम उसी में चेंज हो जाए? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यही डाटा डाल रहा था, जी, जी, जी। हमने एक हेडर डाल दिया जिसमें हमने जैसे 19 के जगह 20 कर दिया, जैसे आप समझ लो जैसे इंटरेस्ट निकालने वाला फॉर्मूला होता है ना, उसमें हमने वहीं पे उसमें वैल्यू डाली और वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। मतलब पीपीटी में हाँ हर जगह पे कर सकते हैं आप, जितना स्पेस से लिंक जितना करेंगे उतना लिंक होगा, जो एरिया आपने कॉपी किया वो एरिया लिंक होगा, जहां किया वहां लिंक होगा। मतलब सर दो डाटा हम पीपीटी में ही जैसे चेंज करना चाहें, चलिए समझे जैसे फॉर एग्जांपल सर जैसे हम एक्सेल में चेंज करके पीपीटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ? हम पीपीटी में ही उसको चेंज करके वो वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाए? नहीं, पीपीटी पे एज ए ऑब्जेक्ट होता है, पीपीटी से डेटा एक्सेल में नहीं ला सकते, कॉपी पेस्ट करने के अलावा कोई और चांस नहीं। ओके okay.
ठीक है। सर एक डाउट था मेरे इंडी साइड कि इन ऑर्डर टू डू दिस मतलब कि ओरिजिनल डेटा में चेंज करो तो लिंक डेटा में चेंज हो रहा है, सो फॉर डूइंग दिस यानी कि क्या हम ये समझे कि सोर्स जो है वो हमेशा उसी मशीन पे होना चाहिए जहाँ पे आप ये डेस्टिनेशन फाइल है? जी हाँ, मतलब जी हाँ जी हाँ, जो लोकेशन मतलब जब हम कॉपी पेस्ट ऐसे लिंक करेंगे तो एक लोकेशन क्रिएट होगा, एक पाथ क्रिएट होगा ना, वो पाथ हमेशा रहना चाहिए ना सर। और पाथ अगर वो पाथ गायब होगा तो जैसे ही फाइल खोलेंगे, यार कभी कभी कोई फाइल एक्सेल फाइल खोलते हैं तो आपको अपडेट लिंक का मैसेज देता है, कभी आपने देखा होगा ये अपडेट लिंक होता ये था कि जो हमने लिंक जो किया हुआ है वो वहां पे उसको नहीं मिलता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है इसलिए। करेक्ट, ओके। सर एक डाउट ये था कि समझो लेट्स से वी आर वर्किंग ऑन द एक्सेल एंड वी कम अक्रॉस सम फाइल व्हिच आर लिंक इन अ वे व्हिच यू हैव एक्सप्लेन्ड, अभी उसको देख के जैसे कि अगर किसी सेल में कमेंट है तो वहां पे एक आइकॉन आ जाता है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे वही किसी ने कमेंट छोड़ा है। तो ये अगर ऐसा कोई डेटा है मेरे सामने ना, आई एम नॉट अवेयर कि वो लिंक है या पेयर है, जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए। नहीं नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि ये लिंक? डबल क्लिक कर दीजिए, ओरिजिनल में पहुंच जाइएगा। कहाँ डबल क्लिक करो? इमेज पे, डेटा पे। देखिए सबसे पहले अगर आप सुनिए बताते हैं आपको, अब मान लीजिए ना हमने पावर पॉइंट लिया हुआ ना सर, तो जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं ना तो आपको पता करना है कि डेटा लिंक है या नॉर्मल है, राइट? हाँ, तो इस पे राइट क्लिक कीजिए आप, यहाँ अपडेट लिंक का ऑप्शन आ गया ना, इसके मतलब लिंक है, लिंक है, ओके। उसके बाद अगर आप इस पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे आप ओरिजिनल पहुंच जाएंगे। ओके ओके, सोर्स पहुंच जाएंगे सीधा जी, सोर्स पे। ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके। मतलब डाउट आता है तो राइट क्लिक करके देखना है, अगर अपडेट लिंक का ऑप्शन आता है इसका मतलब ये लिंक है जी। ओके ठीक है सर, ओके आगे बढ़े। हाँ जी सर, यस सर। चलिए अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, इसके पीछे कहानी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आउटलुक के साथ लिंक करना, तो अभी भी मैंने आपको समझाया कि हम न्यू मेल में लिंक करते हैं, न्यू मेल में गए पेस्ट स्पेशल और लिंक कर दिए, बट कहानी वही पाती है कि जब मैं डेटा को अगर यहाँ लिंक कर कॉपी करता हूं और पेस्ट स्पेशल में जाके मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल में गया और लिंक यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक कर दिया, मान लीजिए पेस्ट एज ए लिंक कर दिया, अब मैंने आपको मेल भेज दी, तो क्या मैं अपने यहां चेंज करूंगा और आपके यहां चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, जैसे ही यहां से मैं सेंड करूंगा मेरी एक्सेल के साथ किसी तरह की लिंकिंग नहीं रहेगी। तो फिर क्या बेनिफिट हुआ, हम एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हर बार हम मेल जो जनरेट करेंगे तो ही होगा, क्योंकि मेरा सेंड आइटम भी तो चेंज नहीं होगा ना, आपके पास इनबॉक्स में चेंज होगा। तो इसका यूज हम लोग करते थे, बहुत अच्छा यूज करते थे। क्या होता था कि जब मैं एक कंपनी में मार्केटिंग टीम में काम करता था, सेल्स टीम में काम करता था, तो हमें उनको हर घंटे एक सेल्स अपडेट भेजना होता था। अब जब भी जो भी सेल्स होता था वो मेरे एक्सेल फाइल पे आता था, एक्सेल फाइल का पीपीटी बनता था, उस पीपीटी को मुझे हर घंटे मेल बॉडी पे पेस्ट करके भेजना होता था। तो हर घंटे मुझे यहाँ एक मेल कंपोज करना होता है कुछ इस तरह से सीसी में, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट डालना होता था कि सेल्स अपडेट, यहाँ पे देना लिखना होता था जो लिखते हैं ना डियर सर मैम वगैरह वगैरह रिस्पेक्टेड वगैरह जो भी लिखना होता है, बिलो आर सेल्स फॉर्मेट, सेल्स अपडेट अपडेट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट एज ए पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं, लिंक कर दिए, और उसके बाद यहाँ रिगार्ड वगैरह देना है, रिगार्ड वगैरह दे। अब मुझे इस मेल को हर घंटे भेजना है, एवरी आवर, तो अब मैं यहाँ पे सेंड नहीं करूंगा, सेंड करने से पहले इस पूरे मेल को सेव करूंगा। कहाँ सेव करूंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने मेल तैयार कर लिया, सब कुछ रेडी है, हमने पेस्ट से पिक्चर लिंक कर दिया, अब सेंड करने से पहले मुझे करना है इसको सेव एज फाइल में, सेव एज,
सेव एज में यहां जो हम पे सेव एज टाइप है, जो फाइल का टाइप है, वहां पे आउटलुक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा क्या सिलेक्ट करना है, आउटलुक टेम्पलेट। और इसके बाद एक लोकेशन चूज कर लीजिए जहां आप सेव करना चाहते हैं और देन यस कर दीजिए, सेव कर दीजिए, यस यहां पे यस। उसके बाद अब इसको मैं सेंड कर सकता हूं। अब मेरा एक घंटे बाद मेरा डेटा चेंज हुआ। अब चेंज क्या कर रहा हूं, मैं उसको ब्लू कर देता हूं और 19 को मैं 91 कर देता हूं, राइट। अब मैं वापस जब मुझे मेल करना होगा तो आप देखेंगे कि मेरे सिस्टम पे डेस्कटॉप पे मेरे पास इस तरह का सेल्स अपडेट का इस तरह का आइकन आ गया। जस्ट मुझे इसको डबल क्लिक करना है, ये कंफर्मेशन पूछेगा, यस करना है। यस करते ही जो मेल कंपोज होके आएगा वो पूरा का पूरा रेडी होके आएगा एवरीथिंग। मुझे जस्ट इस पे सेंड पे क्लिक करना है। तो एवरी टाइम आपका मेल जो है टाइम बचेगा। तो इस तरह के टेम्पलेट, रिपोर्ट के टेम्पलेट आप तैयार रख सकते हो ताकि आपको टाइप टाइप करने की जरूरत ना पड़े और आपका काम क्विकली हो जाए। आया समझ में? थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब सेंड करने से पहले हमने चेंजेस करे हैं। सिंपल सिंपल, आप मेल को रेडी कर लीजिए। मेल रेडी है मेरा? हाँ जी। हमें लिंक वगैरह करना था, लिंक कर लिया। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी हाँ जी। बस आपको सेव एज करना है। सेव एज करना है किस में? टेम्पलेट में। समझ में आया? ओके सर, मतलब एक बार हमने इसको सेव एज अ टेम्पलेट कर दिया, मतलब पूरी मेल को। हाँ। तो उसमें फिर हमारी फाइल से लिंक हो गया फिर इस टाइम पे। हाँ, मैं इस टेम्पलेट लिंक हो जाएगा। तो टेम्पलेट बनने से क्या फायदा होगा कि जब भी मैं अपना मुझे मेल करना होगा, मुझे इस टेम्पलेट को ओपन करना है। तो टेम्पलेट जब ओपन होगा ना तो पूरा प्रिपेयर मिलेगा आपको हर चीज, और ये लिंक है जिस कारण से डेटा अपडेट हो जाएगा। अच्छा ओके ओके सर, मैं मतलब इसमें ऐड ऑन करूँ, मतलब ये है कि हमने इसको टेम्पलेट बना लिया, जैसे हमारी जो फाइल में सेव हो गया कंप्यूटर की, अब वो एक्सेल से लिंक हो गया। अब जब भी मुझे कोई भेजनी होगी मेल, ये टेम्पलेट मेरा रेडी रहेगा और जैसे ओपन करेंगे डेटा भी चेंज हो जाएगा। मतलब जब भी मैंने उसमें एक्सेल में चेंज किया होगा वो अपडेटेड ही आएगा। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, सही पकड़ा। ये तो सर बहुत यूजफुल है, मतलब हर एक को आजकल तो मैनेजमेंट बॉन्ड्स अपडेट एवरी 2-3 आवर्स और ट्वाइस अ डे, वो ऐसे ही फॉर्मेट में होता है।